तो हे गाइज, आज है 10 नवंबर 2021 और आज हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि हाइब्रिड कॉलीफ्लावर्स के सीड्स को कैसे जर्मिनेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ टेस्टिंग, पैकिंग और वैलिडिटी और MRP हमने सब बता दिया है। और ये कलर्स की वैरायटी है जो कि काफ़ी शानदार होती है। और इस वीडियो में हम जानेंगे सोइंग मेथड के बारे में, सीडलिंग टाइम के बारे में, जर्मिनेशन टेम्परेचर के बारे में, जर्मिनेशन टाइम के बारे में और ग्रोइंग टेम्परेचर के बारे में। और अगर आप इसे पोट साइज में अगर किसी गमले में अगर लगाना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट भी हम बताएंगे कि किस गमले में ये सूटेबल होगा, जिससे कि आपकी कॉलीफ्लावर बिल्कुल शानदार और अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए। बस हम यहाँ पे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग को खोल लेते हैं और देख सकते हैं कि एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जब भी किसी भी सीड्स को ले तो आप अपने रिक्वायरमेंट यानी कि अपने एरिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले। आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ के आप नज़दीकी किसी सीड स्टोर से ही जा कर के ले और एक अच्छी वैरायटी ले जो वहाँ के लोकल एरिया में चलती हो। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमें कलर्स का लिया है। कलर्स शतावरी ये जो होती है हमारे यहाँ लोकल एरिया में, ये सब ज़्यादातर चलती है। और देख सकते हैं सीड जो है बिल्कुल कोटेड है किसी फंगीसाइड से। हमारे नॉर्थ और साउथ इंडिया में फूलगोभी को 3 भागों में बांट करके उसकी फसल ली जाती है, जिसमें से पहला है अर्ली और दूसरा है मिड और तीसरा है लेट वैरायटी। तीनों वैरायटी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। बात करें अर्ली की तो इसे जून जुलाई में इसकी सीडलिंग कर दी जाती है। और मिड की बात करें जाए तो जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर का महीना बहुत अच्छा होता है। और जो लास्ट वैरायटी होती है वो अक्टूबर से लेकर के नवंबर फर्स्ट वीक तक आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। बात करें इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की तो बहुत ही इजी टू ग्रोइंग है। और जर्मिनेशन जो टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे 28 डिग्री से टेम्परेचर लो होता जाएगा आप इसकी सीडलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और हमने आपको जैसा कि बताया जुलाई से लेकर के, जून जुलाई से लेकर के आप अक्टूबर नवंबर तक आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि टेम्परेचर 14 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वैसे तो मैंने तो जर्मिनेट कर लिया है, लेकिन हो सकता है आप इस बात का रिस्क ना लें। इसकी जो सोइंग मेथड है वो सीडलिंग है, आप इसे सीड से ही ग्रो कर सकते हैं। और इसकी जो जर्मिनेशन टाइम है वो कम से कम नॉर्मली कहा जाए तो 48 घंटे के अंदर है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय लेता है तो वो 1 वीक के अंदर सारी की सारी सीड्स की जर्मिनेशन हो जाती है। तो गाइज, अब हम बात करेंगे इसके पोट साइज़ की। अगर आप इसे गमले में उगाना चाहते हैं तो 12 से लेकर के 14 इंच का गमला बहुत ही अच्छा होता है, अगर प्रॉपर आपकी मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रिशन से भरी हो तो। तो गाइज, यहाँ पे हमने लिया है एक टब और इसका पानी देने का तरीका मेरा बड़ा ही अनोखा है। कुछ इसी प्रकार से मैं हर एक ट्रे को पानी देता हूँ। देख सकते हैं आप वीडियो में कि अभी क्या हो रहा है कि कोकोपीट पानी को अपने अंदर ले रहा है। और इससे क्या होता है कि अच्छा होता है, सीड्स जो है अपने जगह से इधर उधर नहीं हिलती है और प्रॉपर एक जगह बैठी हुई रहती है। आपको भी कुछ इसी प्रकार से जब तक सीड्स बड़े ना हो जाएं आपको इसी मेथड से पानी देना है, आसान होता है। इससे क्या होता है कि हमारे न्यूट्रिशन की भी बचत होती है। अगर आप न्यूट्रिशन देना चाहते हैं तो आप पानी में इसी प्रकार से मिक्स कर सकते हैं और दे सकते हैं, इससे क्या होता है अच्छा होता है। और एक बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो गाइज, आज है 15 नवंबर और देख सकते हैं सारी की सारी सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो चुकी है। करीबन 98% जर्मिनेशन सक्सेसफुल रहा है और काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्त, अब मैं बताऊंगा जो ट्रिक जर्मिनेशन होने के बाद कई सारे लोग गलती क्या करते हैं जिसके कारण उसके सीड्स मर जाते हैं। तो पहला काम क्या करना है कि जैसे ही जर्मिनेशन हो आपको धूप दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है, और करीबन 8 घंटे की धूप आपको दिखानी ही है। उसके बाद क्या करना है कि जब ट्रूलीव आना दिखे, जैसा कि देख सकते हैं आज है 18 नवंबर और इसमें क्या है, ट्रूलीव दिख रहे हैं कि अब आ रहे हैं, तो जड़ों के मुकाबले इनकी पत्तियाँ जो होती है वो जल्दी ग्रोथ लेती है और न्यूट्रिशन लेने की भी जो क्षमता होती है वो जड़ों के मुकाबले पत्तियों में ज़्यादा होती है। तो आपको करना ये है कि जड़ों में कम और पत्तियों में न्यूट्रिशन ज़्यादा देना है। और उसे देने का जो तरीका है वो है सबसे बढ़िया स्प्रे करना, यानी कि आप हर
तीन से चार दिनों के बाद आप न्यूट्रिशन का स्प्रे कर सकते हैं। अब किस तरह की स्प्रे कर सकते हैं, तो काउडंग से बनी हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर आप सीवीड का सबसे अच्छा जो तरीका है वो सीवीड है। सीवीड बहुत ही अच्छा होता है, मैंने खुद ही मैं सबसे ज़्यादा जो स्प्रे करता हूँ वो सीवीड का ही स्प्रे करता हूँ। इन छोटों पौधों में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप सीवीड से रिलेटेड अगर पूरी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी किसी भी सीडलिंग की तैयारी करते हैं वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और हफ्ते में एक बार तो आपको बेबीस्टीन हो गया, साफ़ हो गया या भी किसी प्रकार का इंसेक्ट होने वाली जो होती है या फिर डिसीज होती है उन सारी चीज़ों को मारने वाली जो दवाइयाँ होती है आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। हल्का सा स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो इसमें किसी प्रकार के स्टार्टिंग में अगर आप साफ़ सुथरी जगह पर रखते हो तो ऐसा कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हफ्ते में कम से कम आपको उन चीज़ों का स्प्रे करना ही है एक बार। और सीवीड जो है बहुत अच्छा होता है, तो मैं तो बिल्कुल वही करता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ या फिर साफ़ हो गया, बेविस्टीन हो गया, ये दोनों मेरे ट्रस्टेड हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं सीडलिंग बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। और तो गाइज आज जो है वो रहेगा हमारा लास्ट डे, यानी कि 10 दिसंबर करीबन 30 दिनों के अंदर, 25 से 30 दिनों के अंदर सीडलिंग बिल्कुल ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं सारी की सारी सीडलिंग बेहतर है और अब ये लगने के लिए तैयार है। खेतों में आप इसे लगा सकते हैं, किसी गमले में आप लगा सकते हैं, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है और 30 दिनों के अंदर ही ये ग्रोथ अच्छी हुई है, तो आने वाले 3 महीनों के अंदर आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा दूँ इसके रूट बॉल कैसे हैं। तो गाइस यहाँ पे आप इसके रूट्स देख सकते हैं, काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त तरीके से इसकी रूट है, और आप कुछ इस प्रकार से ही आप अपने गार्डन के लिए आप सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके विचार, और आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्त प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।